जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया ब्रॉड स्टोरी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करने जा रहे हैं हम लोग इंडो विंड एनर्जी कंपनी का जो राइट इशू आया है, इस राइट इशू को आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा राइट इशू क्या होता है, यदि आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो क्यों आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए और नहीं अप्लाई करेंगे तो कैसे आपको नुकसान हो सकता है। इन सभी चीजों को इस वीडियो में आसान भाषा में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब चूंकि राइट इशू में सिर्फ वही लोग अप्लाई करते हैं जिसके पास कंपनी के शेयर्स पहले से होते हैं और जो लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो उनको अच्छे तरीके से पता होगा कंपनी का काम धाम और बिजनेस मॉडल। तो हम लोग अभी सिर्फ काम की बात करते हैं, राइट इशू की बात करते हैं। देखिए अभी वर्तमान में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड का वो 29.26 रुपए यानी कि तकरीबन 30 रुपए के इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। और राइट इशू में क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी राइट इशू लेकर आती है तो उसमें जो राइट इशू में कंपनी शेयर आपको देती है वो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे देती है, यानी कि अभी इसका शेयर प्राइस 30 रुपए के आसपास चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो राइट इशू का शेयर आपको मिलने जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 22.05 रुपए मिल रहा है, यानी कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे आपको इस कंपनी का शेयर मिल रहा है। मार्केट में अभी इसका प्राइस चल रहा है 30 रुपए और आपको मिल रहा है सिर्फ 22.5 रुपए में। आप समझिए इसमें सबसे पहले वही लोग एलिजिबल होंगे इस राइट इशू में अप्लाई करने के लिए जिनके पास इस कंपनी के शेयर 16 जुलाई 2024 से पहले तक जो लोग बाय किए होंगे। 16 जुलाई के बाद यदि कोई व्यक्ति इस कंपनी के शेयर को बाय किया होगा वो इस राइट इशू में अप्लाई नहीं कर पाएगा। जिसके पास 16 जुलाई 2024 से पहले इस कंपनी के शेयर हैं उन्हीं व्यक्ति को राइट इशू वाले शेयर जब ये इशू ओपन होगा 26 जुलाई के बाद तो देखेंगे, क्योंकि डीमैट अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा शेयर दिखने लगेंगे। अब देखिए इसके लिए रेशियो रखा गया है 1:5 का। 1:5 कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति के पास 5 शेयर्स कम से कम है उससे एक एक्स्ट्रा आरई शेयर्स मिलेगा, और इसी तरह यदि 10 है तो 2 मिलेगा, 15 है तो 3 मिलेगा, और किसी व्यक्ति के पास 7 और 8 शेयर्स है तो उसे भी सिर्फ एक ही शेयर्स मिलेगा, क्योंकि 5 के मल्टीपल में ही आपको आरई शेयर्स मिलेंगे। अब 5 है तो 1 मिलेंगे, 10 है तो 2 मिलेंगे। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10 शेयर्स हैं तो उससे जब ये इशू ओपन होगा 26 जुलाई को तो उसके डीमैट अकाउंट में 2 एक्स्ट्रा शेयर्स दिखने लगेंगे, और ये जो 2 एक्स्ट्रा शेयर्स आपको दिखेंगे वही राइट एंटाइटलमेंट्स वाले शेयर्स होंगे। अब समझिए अभी कुछ डिटेल्स ले लेते हैं फिर आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। इशू ओपन होगा 26 जुलाई से और 5 अगस्त को ये इशू बंद हो जाएगा, यानी कि आपके पास अप्लाई करने के लिए बहुत कम समय है, 26 जुलाई से 5 अगस्त तकरीबन 10 दिनों का समय है, लेकिन इसमें सैटरडे संडे भी रहेगा तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इस राइट इशू के जरिए कंपनी तकरीबन 48 करोड़ 30 लाख रुपए रेज करने जा रही है मार्केट से, और इस पैसे के यूज कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, जैसे आपको पता है कि विंड टर्बाइन सेक्टर में कंपनी काम करती है इसमें ही, और आगे बढ़ने के लिए पैसे को यूज करेगी। हम जैसे मैंने बताया कि आपके पास यदि 16 जुलाई के पहले तक इस कंपनी के शेयर्स को बाय किए हो तो निश्चित ही आपको राइट एंटाइटलमेंट्स के शेयर्स मिलेंगे, जिस भी रेशियो जिस में आप एलिजिबल हैं उतने आपको राइट एंटाइटलमेंट्स के शेयर्स मिलेंगे। अब आपको यदि अप्लाई करना है तो 5 अगस्त के पहले अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं अप्लाई करेंगे आपको ये जो डेट देख रहा है रिनाउंसिएशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट्स इस ये डेट है 31 जुलाई, यानी कि इशू को क्लोज होने से पहले तक का ये डेट रखा गया है। ये डेट उनके लिए होता है जो नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं यानी कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स के शेयर्स मिलने वाले हैं तो मिले नहीं होंगे, वो आप क्या कीजिएगा कि 31 जुलाई के पहले बेच दीजिएगा। क्योंकि यदि बेच देंगे तो आपको क्या होगा कि हर शेयर्स पे 22.05 रुपए के हिसाब से बेनिफिट हो जाएगा, और नहीं बेचना चाहते हैं तो इसको अप्लाई कर दीजिएगा 5 अगस्त के पहले पहले। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको आरई शेयर्स मिला है उसको बेचता भी नहीं है 31 जुलाई के पहले और अप्लाई भी नहीं करता है 5 अगस्त के पहले, तो जब 5 अगस्त को ये इशू क्लोज होगा तो उसके डीमेट अकाउंट में जो एक्स्ट्रा शेयर्स दिख रहे हैं ये आरई शेयर्स वो गायब हो जाएंगे। इससे उसको नुकसान ये होगा कि एक तो बेच भी नहीं पाया, बेच देता तो प्रति शेयर के 22.05 रुपए के हिसाब से प्रति शेयर के मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना पैसा के इसको बेनिफिट हो जाता, और चूंकि बेचा भी नहीं और शेयर गायब भी हो गए और अप्लाई भी नहीं किया तो उसके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं अप्लाई करना है तो 31 जुलाई के पहले तक इस कंपनी के शेयर्स को बेच दीजिएगा, अप्लाई करना है तो 5 अगस्त के पहले पहले इस कंपनी के शेयर्स को अप्लाई कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। यदि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो निश्चित ही आपको इस कंपनी के जो राइट इशू आया है उसमें अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने से क्या होगा कि एक तो चूंकि आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और दूसरा क्या होगा कि चूंकि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे इस कंपनी का शेयर आपको मिल रहा है राइट इशू वाला, तो इससे आपका जो एवरेजिंग प्राइस है एवरेजिंग प्राइस और नीचे आ जाएगा, और एवरेजिंग प्राइस जितना कम हो उतना बेनिफिट होता है। और चूंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो बाद में कंपनी यदि बोनस या डिविडेंड जैसी कॉर्पोरेट एक्शंस करती है तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा क्योंकि आपके पास शेयर्स ज्यादा है, इसलिए अप्लाई करना चाहिए। और खैर नहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं आपका डिसीजन हो सकता है, तो कम से कम 31 जुलाई पहले बेच जरूर दीजिएगा यदि आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं और आप एलिजिबल हैं तो।
तो क्या होगा, 22 रुपये 5 पैसे के हिसाब से आपको बेनिफिट हो जाएगा प्रति शेयर के हिसाब से। अब समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति इसमें अप्लाई कर देता है इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड के राइट इशू में, तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा, 5 अगस्त को जैसे इशू क्लोज होगा तो उसके बाद 9 अगस्त को अलॉटमेंट हो जाएगा और 16 अगस्त को इनके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएगा। लिस्टिंग हो जाएगी 20 अगस्त को बीएससी और एनएससी पर। जैसे सेम जैसे आईपीओ की अलॉटमेंट होता है और आईपीओ का अलॉटमेंट होने के बाद लिस्टिंग होती है, वही प्रोसीजर राइट इशू में भी होता है। आप जब अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट में मारा मारी इसमें आईपीओ की जैसे नहीं होता है, क्योंकि इसमें फिक्स होता है आप एलिजिबल हैं तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और इसकी क्रेडिट हो जाएगी 16 अगस्त को आपको डिमेट अकाउंट में, फिर आप इसको लिस्टिंग होने के बाद बाई सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ राइट इश्यू के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है समझ में आया होगा। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।